क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर किड्स. कैसे? छोटा सा एग्जांपल है, बच्चे जब गिर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उठ जाओ झाड़ लो. पता है ये ना धरती माता ने आपको पनिशमेंट दिया है, गिर गए थे आप, धरती माता ने आपको गिरा दिया. चीटी थी, मारो 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 उसको, चीटी को मारा, चीटी को मार दिया, खुश हो जाओ. बच्चे को लगता है कि अरे कुछ नहीं हुआ था, मैं खुद की वजह से नहीं गिरा था. गिरा था मैं क्यों? क्योंकि धरती माता ने मुझे गिरा दिया, चीटी ने मुझे गिरा दिया. चीटी मरी, चीटी मरी, कितनी सारी चीटी मरी हम काउंट कराने लगते हैं बच्चे को. तो बच्चा क्या होता है कि वो क्या सीखता है, उसकी पॉजिटिविटी जो होती है लाइफ के टूवर्ड्स द लाइफ, वो कहीं खो जाती है. फिर वो क्या ढूंढने लगता है कि जो भी मेरे साथ में हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की वजह से मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया. तो उसका जो पॉजिटिविटी टूवर्ड्स द लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जाती है. तो सो डोंट डू इट विद योर किड्स, जस्ट मेक देम स्ट्रॉन्ग. उन्हें ये रियलाइज़ करना सिखाइए. हो सकता है आप दौड़ रहे होंगे, आपने देखा नहीं होगा इसलिए गिर गए, या आप संभल के चल नहीं रहे होंगे इसलिए गिर गए. हो सकता है नीचे कुछ ऐसी चीज़ रखी हो जिसे आपने देखा नहीं, उसकी ठोकर की वजह से गिर गए. तो क्यों गिरे, कैसे गिरे, ये उसे खुद रियलाइज़ करने दीजिए. कंपैरेटिवली उससे ये मत कहिए कि आप इसलिए दूसरों की वजह से गिर गए हैं. सो मेक देयर पॉजिटिविटी वेरी स्ट्रॉन्ग.